खबर राजस्थान के ब्यावर से है, जहां पर ब्यावर के निजी चिकित्सालय जय क्लिनिक में एक महिला के पेट में दर्द होने के बाद उसे जय क्लिनिक में दाखिल कराया गया था, जिसकी इलाज के दौरान आज मौत हो गई। वहीं महिला की मौत के बाद परिजनों ने चिकित्सालय प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि निकटवर्ती ग्राम हातून निवासी मतिया बानो का जय क्लिनिक में इलाज चल रहा था, उस वक्त उसके चढ़ रही ड्रिप आदि को तेज करने से उसकी मौत होने के आरोप लगाए हैं। इस घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद परिजन व ग्रामीण जय क्लिनिक चिकित्सालय परिसर में पहुंचकर हंगामा खड़ा करने लगे। इधर चिकित्सालय प्रशासन ने पुलिस को इतला देकर मौके पर पुलिस को बुला लिया ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो। इस सारे मामले में ब्यावर सिटी के थानाधिकारी नार सिंह व स्टाफ मौके पर पहुँचा। मामला गंभीर देखते हुए पुलिस उप अधीक्षक राजेश कसाना, उपखंड अधिकारी गौरव बुडानिया, CMHO संजय गहलोत, सदर थाना के थानाधिकारी गंगाराम खावा आदि पहुंचे। वहीं RSC के जवानों को मौके पर तैनात किया गया। हालांकि उक्त मामले में निजी जय क्लिनिक चिकित्सालय के मालिक डॉक्टर CP सिंगल ने एक बेतुका बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि चिकित्सालय में मौत के बाद हंगामा खड़ा करना एक ट्रेंड सा बन गया है। चूँकि इसी चिकित्सालय में पहले भी 2-3 मौतें हो जाने के बाद परिजनों ने लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। ब्यावर से संवाददाता प्रकाश भाट की रिपोर्ट। क्या बोलो सर, मेरा रिक्वेस्ट था कि आज जो जिस तरह की जो घटना घटी है महिला के साथ, क्या मामला था ये सारा, जिस तरह से और अब जिस तरह से ऑब्जेक्शन किया जा रहा है और परिजनों द्वारा जो मांग की जा रही है, आखिर क्या है? अब हम लोग हॉस्पिटल में जब भी डेथ होती है, ये हंगामे एक रूटीन बन गया है, और हम लोग जो मरीज भर्ती करते हैं उसको प्रॉपर इलाज देने की कोशिश करते हैं। हमारी तरफ से कोई भी तरह की लापरवाही ना हो उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत रहते हैं। हमारा अकेला हॉस्पिटल इस जिले में है जो NABH एक्रेडिटेड है। हम लोग हमारे स्टाफ को टाइम टू टाइम उसकी जो है हम लोग उसकी ट्रेनिंग देते रहते हैं, और अभी बहुत जल्दी हमारा हॉस्पिटल NABH होने जा रहा है। और ये मरीज जो भर्ती हुआ, ये आगे भी 2-1 महीने पहले जो मेरी को नॉलेज है कि 2 महीने पहले डिलीवरी हुई थी हॉस्पिटल में, वहाँ एक केस में, और वहां से फिर सीरियस हो गया था और उसको रेफर कर दिया गया था चलाना में। वहाँ 5-7 दिन भर्ती रहा, 10-5 हॉस्पिटल उसको भर्ती लगी,
और ये घर चली गई। कल शाम को ये मेरे पास आई तो मैंने कहा ये मेरा केस नहीं, कोई हार्ट का ही तकलीफ है इसको, हार्ट फेलियर में थी। और मैंने दिलीप डॉक्टर साहब को बुला के दिखाया और उन्होंने उपचार कर दिया। उन्होंने उपचार किया, उनको बताया गया कि इसको अजमेर भी रेफर करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला अजमेर रेफर मत करो, तो बोला 24 घंटे देख लेते हैं, उसके बाद अगर तबीयत ठीक नहीं हो तो हम अजमेर भेजेंगे, इकोकार्डियोग्राफी वगैरह कराएंगे, हार्ट की प्रॉब्लम देखेंगे। और इलाज चालू किया, मैं सुबह 8 बजे राउंड पे आया था, 7:30-8 बजे, तभी मरीज नाश्ता कर रही थी और बोली मैं ठीक हूँ। उसके बाद दिलीप जी राउंड पे आए 10 बजे करीब, 9 बजे करीब, जो एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है। तो उसमें भी ये ठीक थी, उन्होंने कहा कि इकोकार्डियोग्राफी करा लेते हैं। इकोकार्डियोग्राफी का डॉक्टर भगवती वाले से टाइम भी ले लिया था, लेकिन ये खाना खा रही थी और खबर आई खाना खाते खाते ही वो कॉलेज हो, CPR दिया गया। डॉक्टर डॉक्टर साहब वगैरह जो भी हमारी CPR टीम है मौजूद थी, ICU में शिफ्ट किया गया, ऑक्सीजन दिया गया, इंट्यूबेशन में ट्राई किया गया, लेकिन नहीं हुआ। अब इसके बाद में जो परिजन है वो उनकी क्या मांग है, क्या कहना था परिजन? हम लोग चाह रहे हैं भाई किसका पोस्टमार्टम करा दिया जाए और इस मरीज को वहां से ले जाओ, और पोस्टमार्टम के लिए जो है ये लोग तैयार नहीं है। इनका क्या कहना है? इनका कहना तो अभी सबको कोई आया नहीं है कि क्या कहना, पर ये अल्लाह जरूर बता रहे हैं। और जो भी इसके पिताजी हैं वो तो कुछ चाहते नहीं है कि भाई हम तो ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो गाँव वाले वगैरह अल्लाह मचा रहे हैं। अब ये क्यों मचा रहे हैं ये तो हमको पता नहीं। मैं आया हूँ, SDM साहब आए हैं, क्योंकि ऑन द वे है रास्ते में, मैं कलेक्टर साहब के पास मीटिंग से आया था, तो चूंकि हॉस्पिटल के ऑन द वे है तो मैंने सोचा कि भाई हॉस्पिटल में क्या हुआ, और SP साहब के कलेक्टर साहब के नॉलेज में था तो इसलिए मैं आया। अभी तक आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल पाई है जो आप चिकित्सालय यहाँ पहुंचे? अभी इन्फॉर्मेशन ये थी कि भाई किसी प्रसूता की या किसी महिला की डेथ हुई है, और उसके बारे में अभी कुछ ज़्यादा डिटेल मेरे पास नहीं है, तो जरूर ये सब चीजें एक्सप्लोर आउट करके ही मैं कुछ बता पाऊंगा। धन्यवाद। उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और बाकी प्रशासन भी सपोर्ट करें, और जो इसके साथ में हुआ परिवार के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन आपसे बात करना चाह रहा है, लेकिन आपके कुछ प्रतिनिधि मंडल अगर उनसे मिले आपकी एक्चुअली हमारे कुछ सूचना अभी मिली, हम आए हैं और अभी बात करेंगे बैठ के, और जो भी है जो होना था वो तो हो तो गया है, गलत हुआ परिवार के लिए, छोटे बच्चों के लिए, मगर देखो ये जानकारी अभी तक मैं है नहीं, क्योंकि हमें अभी आया हूँ 5 मिनट ही हुए हैं, और परिवार वालों को पूरी जानकारी होगी, और बाकी जो भी है जो परिवार वालों को संतुष्ट करके और जो भी समाधान है, और इनके इताबड़ों के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो भी करनी चाहिए, और जो डॉक्टर हैं इताबड़ों ने बेतमीजी की है, और मरने के बाद में अगर इन्होंने ट्रीटमेंट चालू रखा है और इन्होंने से पैसे मांगे हैं वो तो गलत ही किया है, क्योंकि अगर आदमी मर गया है तो कम से कम ये तो नहीं करना चाहिए, ये तरीका तो गलत ही है। बिगर किसी को बताए एम्बुलेंस मंगा ली। आपका नाम? मैं नारायणा सरपंच प्रतिनिधि शौकत काटा, और इनके सभी हमारे प्रशासन से और जिला कलेक्टर साहब से यही मांग है, तो जो भी है जो हॉस्पिटल के करे, और जो बाकी हमारे पैसा कोई मायना नहीं रखता है, इनके परिवार को संतुष्ट करके बैठ के जो भी कानूनी कार्रवाई जो कानूनी कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। कल शाम को जब हॉस्पिटल में भर्ती कराए तो डॉक्टर ने बोला ये ग्लूकोज 24 घंटे छूटने के बाद छुट्टी दे देंगे, आप घर के लेके जाना, फिर वही 24 घंटे की बोतल को 6 घंटे में फ्री कर दी, नर्सों ने स्पीड बढ़ा दी, उसके बाद में सुबह सुबह खाना खाया सिस्टर ने, खाना खाने के बाद गोली दी नर्स ने आके, गोली खाते ही उल्टी हुई हाथों देत हो गई। भैया तुम्हारा नाम क्या है? रफीक नाम है मेरा। रफीक, एक्चुअल में घटनाक्रम स्टार्टिंग से बताओ क्या हुआ था? इस तरह पेट में हल्का फुल्का दर्द था, हॉस्पिटल लेके आए, हॉस्पिटल इन्होंने सुबह चार बजे लेके आए, उसके बाद बोला भाई 24 घंटे में अपन छुट्टी दे देंगे और कल छुट्टी दे देंगे, 24 घंटे की ट्रिप है वो छड़ने के बाद, उसके बाद कोई जान नहीं दे रहा था, इधर उधर जा रहे थे लेके आए, फिर बोतल 6 घंटे, डॉक्टर आया, डॉक्टर बोला भाई 24 घंटे की बोतल छटेगी, मरने के बाद भी डॉक्टर बोला ये दवाई ले जाओ और चेंज करा दूसरी दवाई लाओ, तो दूसरी दवाई मरीज को मरने के बाद खिलाएंगे क्या? उसके भी पैसे मांगे क्या? ये दवाई थी सीरियस होने के बाद में ज्यादा हो गई वो बिल्कुल, उसके बाद बोला ट्रांसफर दूसरी जगह लेके जाओ, नर्स और डॉक्टर जेल के बाहर बेजबाजी हुई पहले उनकी, उसके बाद चेंबर में जाके अंदर बेजबाजी होते, तुमने ऐसा क्यों किया,
दोनों के हाथों पे बेसबाजी हो रही थी अंदर, मतलब उनको पता उनके हाथों से बहुत बड़ी गलती हुई है। अब जैसे ये घटना घटी है, अब अपन लोग क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं ये हॉस्पिटल बंद हो जाए। हमारी सबसे बड़ी मांग ये यहाँ पे ये पांचवा केस है। एक छोटी बच्ची पहले भी आई थी, उसने भी खेत खेत के पट्टे निकाली, वो वीडियो भी काफी वायरल हुई थी, सिद्धार्थ पंडित की छोरी थी। उसकी एफ आई आर करे, उससे भी तोड़ बच्चा कर लिया। गेट बंद नहीं करने थे, उनका धंधा चल लू, उनको क्या फर्क पड़ रहा है? हम कहते हैं हमारी यही सुनवाई है, ये फिलहाल गेट बंद करवाओ, हमें दोनों ये दोनों गेट बंद करवाओ है। और बच्ची का जिम्मेदार कौन है? उसका ये इनको किया है, डेढ़ महीने की बच्ची, उसके डेढ़ महीने पहले डिलीवरी हुई थी, उसके डेढ़ महीने का लड़का, उसके लड़की का, उसका क्या होगा अब? और वो उनके बात करी, बोले आप 51,000 रुपए ले लो, उनके संस्कार कर लो, मैं दे रहा हूँ उनको पैसा, करो उनको चाहिए तो उनको बोलो 3,00,000 रुपए हम दे देंगे। हम खुद दे रहे हैं, आपकी बच्ची को इंजेक्शन लगा दो, ऐसा हम बोलते हैं, हम चाहते हैं।